अगर आप पहला टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होगा आगे, और टैटू के बारे में कि टैटू कैसे क्या क्या चीज़ें सोच के जाएंगे, टैटू अच्छा बनेगा और आपकी डिमांड के हिसाब से क्या डिज़ाइनिंग हो सकती है, क्या क्या डिज़ाइंस आती हैं, ये सब बात करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहली चीज़ कि टैटू होता क्या है, टैटू के बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, कि टैटू जो है तो पिगमेंट्स के जो कलर होते हैं उन एक नीडल से, टैटू नीडल से, स्टेराइड नीडल होती है वो एक बार ही यूज होती है एक इंसान को, वो नीडल से स्किन के एक लेयर पे इंक छोड़ दी जाती है, वही पिगमेंट हील होके उसके ऊपर क्योंकि एक स्किन की लेयर आ जाती है तो एक टैटू बन जाता है, वो परमानेंट वाटरप्रूफ हो जाता है, वो चंक जो है तो एक स्किन के नीचे और दूसरी स्किन में मतलब एक लेयर पे चंक्स वो रह जाते हैं और उसी को हम लोग टैटू बोलते हैं, कंबाइंडली क्लिटोरली हम लोग उसको टैटू बोलते हैं। ये पुराने टाइम में भी जो गुदना होता था जो गांव में होता था वो भी इसी तरह इसी साइंस पे बेस करता था, और अभी जो मॉडर्न टैटू टेक्निक्स हैं जो मशीन से होती हैं और जो टैटूइंग इंडस्ट्री है वो भी इसी साइंस पे बेस करती है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप पहला टैटू अपना बनवा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टैटू इज़ पेनफुल, नॉट मच बट यस इट इज़ पेनफुल। बट आजकल नवीन क्रीम आ गई हैं, सुन्न वाली जो दवाइयाँ होती हैं पेस्ट आ गए हैं वो बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो पेन काफ़ी कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, बियरेबल अमाउंट ऑफ पेन होता था और वो अपने अपने हिसाब से होता है। एक्चुअल में पेन का ऐसी कहानी है कि पेन आपके सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा पेनिंग लग सकती है, किसी को कम पेन लग सकता है, फिर ये भी रहता है कि जैसे पीरियड ऑफ टाइम कितना लगता है टैटू में, अगर छोटा टैटू है तो पेन कम समझ में आएगा, ज़्यादा टाइम लगता है तो वही पेन फिर ज़्यादा समझ में आता है। तो और स्टार्टिंग में स्टार्ट ऑफ द टैटू अगर आप स्टार्ट करवाते हो पहली लाइन करवाते हो थोड़ा पेन ज़्यादा होगा, फिर बॉडी अडाप्ट हो जाती है तो धीरे 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 आदत पड़ जाती है तो थोड़ा पेन भी नहीं होता। तो ये चीज़ों पर ख़ासतौर पर पेन डिपेंड करता है आपके टैटू पर, तो टैटू आपको अगर कराना है तो ये चीज़ें बेसिक होती हैं। बेसिक क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर दर्द होगा कि नहीं होगा, दर्द कितना होता है, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि दर्द थोड़ा बहुत होता है यस, क्योंकि स्किन पियर्स हो रही है थोड़ा सा दर्द होता है, पर अभी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, नवीन टैटू है और बता दिए सेंसिटिविटी के आधार पे आपके कितना पेन होगा, पेन का क्या लेवल रहेगा, ये सेंसिटिविटी के आधार पर होगा, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता और मोस्ट ऑफ को बिल्कुल नहीं। आज तक मेरी चेयर से कोई 20 टैटू में नहीं है, तो आई कैन से दैट कि पेन बियरेबल रहता है। दूसरा जो रहता है कि आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको किस थीम या किस स्टाइल पे टैटू बनवाना है। थीम से मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग नेम फॉन्ट टैटू बनवाते हैं, लेटरिंग टैटू बनवाते हैं, बहुत से लोग पोर्ट्रेट्स बनवाते हैं, बहुत से लोग ट्राइबल टैटू बनवाते हैं, समवन टैटू बनवाते हैं, तो आपको थीम बहुत से लोगों को त्रिशूल पसंद है, महाकाल पसंद है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जैसे जिसका माइंड सेट अप है। तो आपके मतलब टैटू स्टूडियो में आने से पहले आपकी कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए मेरे मेरे दिमाग में थीम क्या है, वो डिजाइन टैटू आर्टिस्ट दिखा देगा, मैं दिखा दूंगा कि आप त्रिशूल पे देखोगे या नाक पे देखोगे तो मैं उसके 1000 डिजाइन आपको दिखा दूंगा, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपके दिमाग में थीम होनी चाहिए। तो थीम आपको इसी थीम पे टैटू बनवाना है, इस तरह में आप टाइम भी बचा सकते हो अपना भी टैटू आर्टिस्ट का भी, और इससे काफ़ी क्लियरिटी से काम हो जाता है, जितना टाइम वो आपकी थीम डिसाइड कराने में लगाएगा उससे ज़्यादा वो डिज़ाइन दिखा सकता है, डिज़ाइंस बना सकता है, डिज़ाइंस कस्टम कर सकता है आपके लिए, तो वो टाइम आपके लिए बचेगा। दूसरा स्टाइल, स्टाइल कौन सा चाहिए आपको, शेडेड में चाहिए, आपको कलर पैकिंग में चाहिए मतलब सॉलिड कलर चाहिए या शेडिंग में चाहिए, फिर तो स्टाइल्स कैसे, जापानीज स्टाइल में चाहिए आपको, चाइनीज स्टाइल में चाहिए आपको, आपको वाटर कलर में चाहिए, स्पेसेस में चाहिए, पोर्ट्रेट्स में चाहिए, तो ये आप उससे टैटू आर्ट, आप क्योंकि इतना एजुकेशन नहीं है, आप टैटू इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं जानते, तो आप एक टैटू आर्टिस्ट से पूछ सकते हो कि मुझे मेरी ये नीड्स हैं, मुझे मतलब इस तरह से टैटू आगे अपने बॉडी पे चाहिए जब हील हो जाए उसमें कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, तो वो टैटू आर्टिस्ट आपको बताएगा। तो आपको कलर, स्टाइल एंड थीम आपकी कंफर्म हो जाएगी
और आप उसके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा, जो भी टैटू बनवाना उसका प्लेस डिसाइड होना चाहिए, जैसे आप कहाँ पे बनवाना चाहोगे। इसके लिए आप आर्टिस्ट से भी पूछ सकते हो कि ये टैटू मुझे बनवाना है, जैसे आपको ऑलरेडी कोई टैटू पसंद है और आप वो टैटू बनवाना चाहते हो, तो आप आर्टिस्ट से भी पूछ सकते हो ये टैटू कहाँ पे अच्छा लगेगा और आप अपने नीड के हिसाब से बनवा सकते हो। तो प्लेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और प्लेस के अकॉर्डिंग ही साइज होती है। जैसे ये एरिया है, ये एरिया आपका 2 inches हार्डली होता है ना, 2 inches वाइडर होता है, और लेकिन अगर आपको 2 inches टैटू यहाँ बनवाना है तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो वहाँ पे रह जाएगा, मतलब बहुत सारी जगह वहाँ पे बच जाएगी तो वो बहुत अजीब सा लगेगा। तो टैटू की जो साइज होती है वो रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब प्लेस के हिसाब से, जितना बड़ा प्लेस उस हिसाब से टैटू हो तो आपका टैटू ज़्यादा बेहतर दिखेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बन सब जाएगा, पर मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ कि बेस्ट टैटू कैसे दिखेगा। तो साइज अपने प्लेस के हिसाब से, अगर आपको छोटे टैटू चाहिए छोटे प्लेसेस चूज करिए, बैक ऑफ ईयर, नेक्स या आपका रिस्ट पे, ये पोजीशन, ये पोजीशन, यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस होते हैं। तो आपके लिए जो चौथा पॉइंट है वो है कि आप किस टैटू आर्टिस्ट से बनवाएं। तो टैटू आर्टिस्ट का जो पोर्टफोलियो होता है वो आपकी इस पे हेल्प करेगा। आप उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, वेबसाइट्स, गूगल वर्क, मतलब उसकी पिक्स, उसका वर्क कितने सालों से कर रहा है, ये सब चीज़ें देख के आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये आर्टिस्ट मेरे, मैं जैसा चाहता हूँ टैटू वैसा बना पाए कि नहीं, और उसका उसी हिसाब से वो भी होगा, फीस भी होगी। तो आप उससे बात करके, फ़ोन पे बात करके या फिर डायरेक्ट जाके बात करके आप ही डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कस्टमर्स का, जैसे जब टैटू बन जाते हैं तो बात करते हैं कि जो प्राइस होती है वो किस पे बेस होती है, बार्गेन करें आर्टिस्ट से कि नहीं करेंगे। तो ये टोटली अप टू आर्टिस्ट के ऊपर होता है, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे मैं प्रेफर नहीं करता बार्गेन करना, क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया है प्राइस वो मुझे लगता है कि मेरे 8 सालों के एक्सपीरियंस को शो करता है। तो उस हिसाब से हर आर्टिस्ट अपने काम को किस तरह लेता है, मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा प्राइस है वो मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे लेवल को शो करता है। और मुझसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग, मुझसे भी कम चार्ज करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो उनके लेवल को, उनके एक्सपीरियंस को शो करता है। तो प्राइस इसको टू गुडविल लगेसी के बराबर होती है। तो मैं ये मानता हूँ कुछ लोग बार्गेन को, कुछ आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं, कुछ प्रेफर नहीं करते, कुछ ऐसे रेट्स ही रखते हैं जिससे कस्टमर जब बार्गेन करे तो एक उनके रेट पे आ पाए। तो ये आप टोटली आर्टिस्ट के ऊपर है और आपके ऊपर की बात है, बार्गेन करना चाहे मेरी ना, अगर वो आर्टिस्ट प्रेफर नहीं करता उस बात में बता देगा फेस ट्रेड में, या सर आप जो भी कर सकते हैं तो उस पर देख लीजिए। टैटू सेटअप आपका न्यू होना चाहिए। जब भी आप किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं तो ये ज़रूर कंफर्म कर लें बनने से पहले कि वो जितना भी आपकी बॉडी पे टच करा रहा है मटेरियल वो सब न्यू हो, क्योंकि बहुत लोग रीयूज़ कर देते हैं क्योंकि कस्टमर को फर्स्ट टाइम इतना यूज़, क्योंकि आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कभी टैटू नहीं कराया है, उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जब आप टैटू स्टूडियो में जो उनका सेटअप होता है, उनका स्टेशन होता है, वहाँ जाएँ तो ये श्योर कर लें कि हर चीज़ नई लगी हुई है। निडिल आपके सामने ओपन हुई हो, टिप होती है टिप आपके सामने ओपन हुई हो, इंक कप्स आपके सामने लगे हों। इनका मैं एक इंट्रोडक्टरी भी आगे दूंगा, पर अभी मैं आपको एक बर्बली बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नई लगनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी पे लगें तो इंक नई यूज़ होनी चाहिए, इंक का पैकेट नया नहीं होना चाहिए, इंक की ड्रॉप्स बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, पहले से निकाल के ना रखा हो, है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी, ग्लव्स उसके नए होने चाहिए एंड ऑल। तो हर चीज़ जो आपकी बॉडी में टच हो रही है वो न्यू होनी चाहिए, उससे इन्फेक्शन खतरा नहीं रहता, उससे किसी और की बीमारी आपकी बॉडी में ट्रांसफर, इन्फेक्शन मतलब वायरल होने का खतरा नहीं रहता। ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो गुड फॉर यू। जब आपका टैटू बनता रहता है उस समय ये ध्यान रखिए कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ब्लड बहुत निकला, मुझे ब्लड बहुत कम निकला, तो क्यों ये डिफरेंस क्यों आता है। तो उसमें एक दो चीज़ें आपको मैं बता दूं कि ब्लड का ऐसा है कि अगर आप अल्टरनेटिज्म या कुछ बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का टैटू करा रहे हो या हार्ट
मतलब एक ही जगह पे तीन चार बार कलर पैलेट जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे तीन चार कलर करने हैं, तो ब्लड थोड़ा बहुत निकल सकता है भाई। कलर ब्लड इतना ज़्यादा नहीं निकलता है किसी भी टैटू में, अगर टैटू से ब्लड बहुत ज़्यादा एक्सेस निकल रहा है तो उसका मतलब ये कि आर्टिस्ट बहुत डीप कर रहा है या आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, जो कि मैं मानता हूँ कि 10% केसेस में होता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट होती है कस्टमर की, उस वजह से ब्लड निकलने लगता है। बाकी 90% मामले जो ब्लड एक्सेसिव ब्लड के होते हैं वो आर्टिस्ट की वजह से होते हैं, वो बहुत डीप जब करने की कोशिश करता है तब ऐसा हो जाता है। तो उसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है वाइल योर टैटूइंग, मतलब अगर आपका टैटू बन रहा है और बहुत ब्लड निकल रहा है तो आप आर्टिस्ट को ही करोगे और बोलिए पूछिए कि ब्लड क्यों निकल रहा है, वो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, आप सेटिस्फाइड होते तो कंटिन्यू करिए वरना छोड़ दीजिए उन्हें, ठीक है, क्योंकि वो आगे स्किन डैमेज कर सकता है, आपको ब्लड का मतलब गांठें बन सकती हैं, तो सब ध्यान दीजिए। अगला जो पॉइंट है अपना वो है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या करना पड़ता है, तो इन इंडिया बाहर आपको क्योंकि ठंड चिल वेदर का जो मतलब अमेरिका हो गया ब्रिटेन हो गया वहाँ वेदर चिल रहता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ का कि आफ्टर केयर यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हीट ज़्यादा रहती है, ठंडियों में कर सकते हैं पर गर्मियों में नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आर्टिस्ट मिस्टेक कर जाते हैं, सेम आफ्टर केयर सबको दे देते हैं। तो आफ्टर केयर में आपको मैं सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपकी जो टैटू एक चोट है एक इंजरी है स्किन पे, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो आप उसमें पानी मत लगने दो। जब पानी नहीं लगने दो पकने का डर जो उसके उसके अंदर पस बनने का डर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ आप उस पर तीन चार दिन कुछ अप्लाई मत करो, उसको ड्राई रखो क्योंकि गर्मी में पसीना वैसे स्वेट बहुत ज़्यादा निकलता है। चौथी चीज़ आप उस पर तीन चार दिन बाद ऑयल जॉनसन जॉनसन बेबी ऑयल या फिर एंडी ऑइंटमेंट आफ्टर केयर क्रीम ये सब लगा सकते हो, जो भी आपका आर्टिस्ट रिकमेंड करे। बाकी मैं नेचुरल रहने के लिए कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगवाता, मैं ड्राई रखता हूँ बस, उसको रगड़े नहीं उसको खुरचे नहीं। तो जब भी आपका आर्टिस्ट जो बनाए उससे एक मतलब आफ्टर केयर की लिस्ट होती है वो आप ले लो और उससे मतलब बहुत अच्छा समझो, वो बहुत ज़रूरी है। टैटू बनना मेन बात नहीं होती, उसकी केयर करके उसको दो तीन सप्ताह रखना पड़ता है, नहीं तो वो टैटू ख़राब हो जाता है। आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट बन रहे हो टैटू ख़राब हो जाएगा। अगर आप पहली बार ये टैटू बनवा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द टैटू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कभी उस टैटू के लिए सैड फील ना हो, रिग्रेट फील ना हो, सो गो फॉर इट एंड थैंक यू।